टेक्निकल राइटिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टेक्निकल राइटिंग के बारे में। व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग कौन सी राइटिंग है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और करेक्टरिस्टिक है, इसकी खसूसियात क्या है, तो आइए आज इस पर बात करते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग कन्वेज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ टेक्निकल सब्जेक्ट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टेक्निकल राइटिंग हम स्पेसिफिक यानी ख़ास किस्म के मालूमात, ख़ास किस्म के इंफॉर्मेशन जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में है, ख़ास ऑडियंस को एक ख़ास मकसद के लिए पहुँचा देता है। द वर्ड्स एंड ग्राफिक्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग आर मेंट टू बी प्रैक्टिकल, दैट इज़ टू बी कम्युनिकेट अ बॉडी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प एन ऑडियंस अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट और कैरी आउट ए टास्क। टेक्निकल राइटिंग में जो वर्ड्स और ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इस कोई थ्योरेटिकल बात इसमें नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसे इंफॉर्मेशन होती है जो प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिकल तौर पर जो ऑडियंस हो, जो टारगेट ऑडियंस है, उनकी मदद कर सके या उसको अंडरस्टैंड कर सके, जो टास्क है वो उसकी मदद से कैरी आउट कर सके। टेक्निकल राइटिंग के बारे में फर्दर आइए हम देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मकासद है टेक्निकल राइटिंग है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ टू क्लियरली कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल और ऑडियंस इन सच अ वे दैट टॉपिक कैन स्ट्रेट अवे बी अंडरस्टूड। जो बिल्कुल बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, बुनियादी मकसद है टेक्निकल राइटिंग का, हम अपने जो इंफॉर्मेशन है एक ख़ास किस्म के लोगों को, ख़ास ऑडियंस को इस तरीके से ये पहुंचा दे कि वो उसे समझ ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है कोई सिविल इंजीनियर्स को या कोई हम क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को, तो एक ऐसे तरीके से दें ताकि वो इस प्रॉब्लम को या इस टास्क को समझ सके, ताकि वो इसे कैरी आउट कर सके। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है फर्दर, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड और बीन एग्रीड अपॉन, और इन चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाए जो जिस पे हम एग्री हुए हैं, या अपने पास एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम टेक्निकल राइटिंग करते हैं। टू एक्सप्लेन और क्लेरिफाई अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को, एक हालत को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए। और एक और ऑब्जेक्टिव है टू गिव इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टू रिपोर्ट समथिंग, कुछ कोई वाकया हुआ है या कुछ हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए हम जो राइटिंग करते हैं तो वो टेक्निकल राइटिंग ही करते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग की करैक्टरिस्टिक क्या है, इसकी मेन खसूसियात क्या है, तो ये देखते हैं। इट हैज़ अ पर्पस। टेक्निकल राइटिंग का हमेशा एक पर्पस होगा, एक मकसद होगा। इट इज़ ऑलवेज रिटन फॉर अ पर्पस, एक ख़ास मकसद के लिए इसे लिखा जाता है। पर्पस मे बी टू एक्सप्लेन व्हाट वाज डन, व्हाई इट वाज डन एंड अदर रिजल्ट ऑफ स्टडी। हमारे पास जो पर्पस एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो गया या कोई काम किस वजह से किया गया है, और या हमने जो स्टडी की है या उस लिहाज से मकसद बयान करते हैं। हैज़ इन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव इज़ लार्जर देन पर्पस। वही बात है, पर्पस शॉर्ट टर्म का होता है और ऑब्जेक्टिव्स जो है लॉन्ग टर्म में जो रिज़ल्ट होते हैं उसे ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बता सकता हूँ कि पर्पस ये है कि उसी वक्त पे कोई छोटा सा मसला है, कोई टास्क है, वो हल हो जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये पूरी टीम की या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इन एड्रेस इन इंडस्ट्री द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक और इंक्रीज प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कोई इंडस्ट्री है और आप इसमें छोटे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई स्मॉल टास्क कैरी आउट कर रहे हैं, तो ये आप पर्पस में लगे हुए हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, उसका प्रॉफिट बढ़ाना है। सिमिलरली कन्वे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा। वही है कि जो इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स है और डेटा जो है वो कन्वे करता है। टेक्निकल राइटिंग शुड हैव अ सब्सटेंस इन एवरी स्टेटमेंट। इफ अ सब्जेक्ट डज नॉट कन्वे इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू स्टडी, लीव इट आउट। टेक्निकल राइटिंग में यही बात है कि इसमें हर एक स्टेटमेंट, हर एक सेंटेंस कुछ ना कुछ कन्वे करता है। इस तरह नहीं है कि इसमें सिर्फ जस्ट लाइक अ थियोरेटिकल स्टोरीज होती है नो,
एवरी सेंटेंस इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड परपज इट हैज़ स्पेसिफिक परपज आर फ्रूटफुल फॉर द ऑडियंस. ये नहीं है कि वैसे लिखा जाता है. अ रिपोर्ट विदाउट डेटा और साइंटिफिक एविडेंस लैक्स क्रेडिबिलिटी. इसी तरह अगर कोई रिपोर्ट है और इसमें डेटा नहीं है या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ग्राफ नहीं है, कोई आपने टेबल नहीं बनाया, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट रिलायबल. तो टेक्निकल राइटिंग में इसकी यही एक अहम करेक्टरिस्टिक, एक अहम खसूसियत है. वर्ब लाइक्स, इसमें टेक्निकल राइटिंग में कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं, तो स्पेशली डिटरमिंड, सॉलिड, बिल्ट, एक्सेप्टेड. बिल्ट की स्पेलिंग्स रॉन्ग है. एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, कंप्लीटेड, अप्रूव्ड, कैंसल, डिस्कवर्ड एंड डिड्यूस शुड बी यूज. इस किस्म के वर्ब इसमें यूज़ होते हैं. इसमें ये नहीं होता कि थिंक, मे बी, सजेस्ट, अपेयर एंड सपोज शुड बी अवॉइडेड. इस किस्म के वर्ब्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते. और कहते हैं कि जैसे आई थिंक जिस स्टेटमेंट से पहले हम यूज़ करते हैं, तो इस पर तो फिर जितने दिन चाहो बोल सकते हो, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है. देयर मस्ट बी डिटरमाइंड सॉलिड बिल्ट. आपने कुछ चीज़ पे रिसर्च किया है, ऑलरेडी इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, तब आप जो है ना रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट बना सकते हैं. इट शुड बी इम्पर्सनल. यही एक बहुत अहम है. ये नहीं है कि आपने किसी को स्पेसिफिक लिखा है. नो, इट इज़ इम्पर्सनल. पीपल नेम्स आर ओमिटेड इन टेक्निकल राइटिंग. टेक्निकल राइटिंग में किसी के नाम का मैंशन नहीं किया जाता, बल्कि उसके टाइटल को, ऑर्गेनाइजेशन को मैंशन किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये नहीं कहते जैसे जनरल राइटिंग में हम कहते हैं आई स्टडीड दिस. नो, टेक्निकल राइटिंग में आप लिखेंगे इट वॉज स्टडीड. तो यही डिफरेंस है. स्टाइल एंड फॉर्मेट. स्टाइल इज़ द वे यू राइट. स्टाइल किसे कहते हैं? जिस तरीके से आप लिखते हैं. फॉर्मेट इज़ द फिज़िकल लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. और किसी भी डॉक्यूमेंट का फिज़िकल लेआउट, जैसे लेटर का एक अपना फॉर्मेट, एक फ़िज़िकल लेआउट, एक ख़ास तरीके से, मतलब फुल ब्लॉक में, सेमी ब्लॉक में, या मॉडिफाइड ब्लॉक, आप जो भी है ना उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. फिज़िकल लेआउट है उसका. इन टेक्निकल राइटिंग इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट ऑप्शनेटेड. इसका मतलब ये है कि टेक्निकल राइटिंग में हर रिपोर्ट का अपना ही एक फॉर्मेट होता है. ये नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी का जो फॉर्मेट दिल किया आपने यूज़ किया. नो, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. टेक्निकल राइटिंग जिस टाइप का रिपोर्ट बना रहे हो, उसी लिहाज से आपने उसका जो लेआउट है, जो फॉर्मेट है, वही बनाना है. बाकी करेक्टरिस्टिक्स में क्लैरिटी, ईजी टू अंडरस्टैंड बाई द इंटेंडेड ऑडियंस. आपका टेक्निकल राइटिंग का जो रिपोर्ट है वो ईजीली आपके ऑडियंस को, या जो टारगेट हैं, टारगेट लोग हैं, उनको समझ आ जानी चाहिए. एक्यूरेसी, फैक्चुअल, करेक्ट, फ्री फ्रॉम बायस. यस, आपके टेक्निकल राइटिंग का जो रिपोर्ट है वो करेक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए. इट मस्ट बी हैविंग इन्वॉल्व्ड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. करेक्ट होना चाहिए और आप इसमें कोई पर्सनल नहीं कर सकते. फ्री फ्रॉम बायस ये नहीं है कि आपने किसी की साइड ली हो. इट्स अ टेक्निकल रिपोर्ट. यू हैव टू कन्वे फैक्ट्स एंड डेटा इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. कम्प्रहेंसिवनेस, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड. इसमें यह है कि जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एक्सेसिबिलिटीज, हेडिंग एंड एक्सेस टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है. कंसाइजनेस, क्लियर विदाउट एक्सेस वर्बेज. कंसाइज मीन्स बींग शॉर्ट. ये नहीं है कि आपने लंबी लंबी स्टोरियाँ लिखी हैं, बट इट मस्ट बी नॉट टू मच शॉर्ट बट नॉट टू मच लॉन्ग. जिन चीज़ की ज़रूरत होती है, जिन इंफॉर्मेशन की, आपने वही मेंशन की होती है. करेक्टनेस, ग्रामेटिकली और डेटा के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी ये करेक्ट होना चाहिए एंड फॉलोज द कन्वेंशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.